प्रणाली एंड वेलकम टू बरूस किचन। और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल एगलेस प्लम केक। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और इस न्यू ईयर आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दुरुस्त रहे। प्लम केक बनाने के लिए हमें यहाँ ऑरेंज जूस ले लेना है। मैंने यहाँ पे रियल ऑरेंज जूस यूज की हूँ, और इसमें हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी और चेरी 2 चम्मच। अब हम इसमें ब्लैक किशमिश ऐड करेंगे, और हमें किशमिश भी ऐड करना है और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू और आलमंड्स। अब हम इसमें मार्शमेलो शीट्स भी ऐड कर देंगे। अब इसे हमें 1 नाइट तक सोक करके रखना है। आप चाहे तो 1 वीक तक भी सोक करके रख सकते हैं। अब हमें कैरामेल सिरप बनाना है। कैरामेल सिरप बनाने के लिए हम चीनी और गुड़ दोनों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें ले लेना है चीनी, और उसे हमें लिक्विड फॉर्म में ले आना है। आप देख सकते हैं ब्राउन कलर आ चुका है यहाँ पे। इसे थोड़ी देर लो फ्लेम में इसी तरह कैरामेलाइज करना है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है 1/2 कप गुड़। ध्यान रखिए कि चीनी और गुड़ का मात्रा सेम होना चाहिए, और इसे भी कैरामेलाइज कर लेंगे। अब हमें इसे थोड़ी देर लो फ्लेम में इसी तरह हल्के हाथों से हिलाते रहना है, और ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ये प्लम केक कैसे बनता है। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दें, इससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हमें कैरामेल सिरप को ठंडा कर लेना, और बाद में पानी ऐड करेंगे। जब तक हमारा सिरप ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप मैदा, और मैदे को हमें अच्छे से छान लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर। कैरामेल सिरप ठंडा हो चुका है, अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, जिससे ये और भी लिक्विड हो जाए। गरम कैरामेल सिरप में पानी ऐड मत कीजिए, क्योंकि इससे बर्स्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और इससे जल भी सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी और सिरप बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, और इसमें ब्लैक कलर भी आ चुका है। यही तो हमें चाहिए था। अब इसे अलग बाउल में निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हमें सोक ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और इसे साइड में रख लेना है। अब हमें एक पैन ले लेना है। पैन में ऐड कर देना है ऑरेंज जूस फिर से। इसमें हम ऑयल भी ऐड करेंगे। आप इसमें 5 to 7 स्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं, और जो हमने कैरामेल सूप बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अब हम वेनिला एसेंस भी ऐड करेंगे, और तब तक हम मैदा में 1/2 टीस्पून सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। अब हमें कैरामेल सिरप में कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ये मिक्स हो, इसमें हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी और चेरी था वो इसमें ऐड कर देंगे, और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गेस कीजिए अब इसका करना क्या है। सो ये मिक्सचर जो बनके तैयार है, इसे हमें ऐड कर देना है मैदे में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कुछ तो मिसिंग है। जी हाँ, कोकोआ पाउडर नहीं है इसमें। अब हमें इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, जिसमें इसे चॉकलेटी फ्लेवर आ जाए, और 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस भी ऐड करेंगे इसमें। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे कि थिकनेस बहुत ज़्यादा है, हम इसमें जो बचा हुआ ऑरेंज जूस था वो इसमें ऐड कर देंगे। आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें बाद में भी ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं, तो जो बचा हुआ ऑरेंज जूस रहता है पहले, उसे वेस्ट मत कीजिए और इसे बाद में यूज कर लीजिए।
अब हमारा केक मिक्स बनके तैयार है, इसे हम डाल देंगे केक टिन में। मैंने यहाँ पे ओवल शेप का केक टिन यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी टिन यूज कर सकते हैं। और ये हम बनाएंगे कढ़ाई पे। इस बार हम कुकर भी यूज नहीं कर रहे और ना ही ओवन, इस बार हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में। हमें इसे अच्छे से ढक देना है। और देखिए मैंने यहाँ पे ग्लास लीड यूज की हूँ, इसलिए मैंने ग्लास लीड को भी अच्छे से आटे से ढक दी हूँ। और इसे 30-45 मिनट्स के बाद आपको देखना है, और आप चाहे तो टूथपिक से भी इसे देख सकते हैं बार बार। और देखिए ये बनके तैयार है यहाँ पे, ये बहुत ही यम्मी सा और फ्लफी सा दिख रहा है। इसी तरह से आप बहुत ही इजीली ये केक घर पे बना सकते हैं। आप मेरे रेसिपी को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आपको किसी भी इंडियन डिशेस का वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर से जरूर वीडियो लेके आऊंगी उस पे। तो यहाँ पे हमारा प्लम केक बनके तैयार है, और आइए साथ में टेस्ट करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।